लॉर्ड, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रदीक्षा विश्वविद्यालय मिडी की प्रभात प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आज का दिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बातचीत करने पाए, एक नया शुरुआत आज हमारे जीवन में होने के लिए प्रभु के हाथ में समर्पित करके हमारे आज का दिन हम शुरू करेंगे। आइए पवित्र वचन में यूहन्ना की पहली पत्री तीसरा अध्याय पहला पद, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना है। अच्छा वचन के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, आज इस वचन की सफलता हम सभी के जीवन में प्रकट होना है। देखिए परमेश्वर के अनोखे प्यार की गहराई के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर से हमें कोई संपर्क नहीं था, प्रभु से दूर थे, दुनिया के अनुसार हम रहते थे, दुनिया की संतान थे हम, लेकिन परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए सौभाग्य दिया है। परमेश्वर हमें इतना प्रेम किया है। कौन है परमेश्वर की संतान? वचन में लिखा है जो पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय इसका 12वां पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने के अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर को जो ग्रहण किए हैं, जो उनका नाम पर विश्वास किए हैं, उसको परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए अधिकार परमेश्वर ने दिया है। हम परमेश्वर की संतान है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमें हमारा एड्रेस चेंज किया है। अब हम ऐसे जानते हैं कि परमेश्वर की संतान हम परमेश्वर की संतान होने के लिए परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को पृथ्वी पर भेजा है, उनको क्रूस पर उनके जीवन बलिदान किया है। परमेश्वर अपने पुत्र को प्रेम नहीं किया है, हमें परमेश्वर प्रेम किया है। देखो परमेश्वर के अनेक प्यार की गहराई। प्रियो, हम अब परमेश्वर के नाम पे जानते हैं परमेश्वर की संतान है। कौन है परमेश्वर की संतान? जो पवित्र आत्मा के अनुसार जो चलाए चलते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, जो उनके नाम पर विश्वास किए हैं, वो ये परमेश्वर की संतान। अब हम परमेश्वर की संतान है। पहले हम कौन थे? प्रभु से दूर थे। परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया है। परमेश्वर की अनोखे प्यार के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके पवित्र उपस्थित में आने के लिए आपने हमें मदद किया, आपके अनोखे प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए प्रभु जी आपने हमें योग्य बनाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।